हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी ने बहुत अच्छे हो। और सॉरी क्योंकि कुछ दिन मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया, तो इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब थे तो इसलिए वीडियो मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई। तो आज से वीडियो कंटिन्यू आएगा, तो प्लीज़ आप सभी ने मुझे पहले जैसा है सपोर्ट कीजिए। तो आज एक चॉकलेट वाला बर्थडे केक के ऑर्डर थे मेरे पास, तो चलिए पूरे वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए आप लोगों के पास। और आज का ऑर्डर मुझे लेना ही नहीं थे क्योंकि तबीयत मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे, लेकिन जिन्होंने ऑर्डर किया वो घर पे आ गया डायरेक्ट। अगर मुझे कॉल करके बोलता ऑर्डर लेने के लिए तो मैंने कैंसिल ही कर दी थी, लेकिन इतने धूप पे और दोपहर के टाइम थे तो वो घर आ गए थे और मुझे बोला कि ऑर्डर एक देना था चॉकलेट वाला केक की, तो फिर मैंने मना नहीं किया, मतलब मना कर नहीं पाया, तो इसलिए मुझे ऑर्डर लेना ही पड़ा, ऑर्डर मैंने कैंसिल नहीं किया। तो 1 पाउंड के चॉकलेट वाला केक है, तो इधर मैंने चॉकलेट वाला स्पॉन्ज बना लिया, फिर उसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया, फिर जो चॉकलेट वाला केक की जो लेयरिंग होता है वही कर रही हूँ। बस डायरेक्ट मैंने टर्न टेबल के ऊपर केक बोर्ड रख के उसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट वाला क्रीम दे के फिर स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर रखा, फिर उसको अच्छी तरह से सोक कर लिया नॉर्मल पानी से, फिर चॉकलेट वाला क्रीम दे के उसको स्प्रेड किया, फिर 2nd लेयर दिया, फिर सेम स्टेप फॉलो करके मैंने 3rd लेयर दे दूँगी। और आज का केक में डिज़ाइन मैंने कुछ सिंपल सा सोचा हूँ, ज़्यादा तामझाम करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थे, तो इसलिए कुछ सिंपल सा डिज़ाइन सोचा और सिंपल में सुंदर सा और बेकरी स्टाइल मैंने सोचा कि आज के डिज़ाइन बनाऊँगी सिंपल में। तो बस मैंने 3rd लेयर देने के बाद उसको पहले मैंने अच्छी तरह से सोक कर लूँगी नॉर्मल पानी से, फिर मैंने साइड से कवर कर लूँगी और चॉकलेट वाला क्रीम से मैंने साइड से कवर कर लूँगी। और आज मैंने केक की आइसिंग नहीं किया हूँ, बस नॉर्मल जो क्रम कट करता हूँ हम लोग तो वही वाला मैंने अच्छी तरह से क्रम कट किया हूँ केक की, और आइसिंग तो बिल्कुल नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मतलब इतना पेशेंस नहीं थे, टाइम तो थे लेकिन पेशेंस नहीं थे कि इतने टाइम तक मैं केक बनाते रहूँ, तो इसलिए जितना हो सके मैंने सिंपल में इजी में केक बनाने की ट्राई किया हूँ, जितना मतलब कम टाइम लगे उतना ही अच्छा। तो इसलिए तो बस अच्छी से मैंने केक की क्रम कट कर लूँगी, तो देख ही रही हो, और हमेशा केक की क्रम कटिंग अच्छे से करना चाहिए, फिर केक की जो आइसिंग है वो अच्छी तरह से हो जाता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, इधर उधर स्पॉन्ज दिख जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा सभी केक की क्रम कटिंग अच्छे से करती हूँ। तो आज की जो स्पॉन्ज है मतलब केक है, केक की जो क्रम कटिंग कर रही हूँ तो ऊपर से तो कुछ मतलब स्पॉन्ज दिख नहीं रहा है कि, लेकिन साइड से थोड़ा बहुत स्पॉन्ज दिख रही है, फिर भी मैंने ट्राई किया हूँ ज़्यादा ज़्यादा करके क्रीम दे के केक की अच्छी तरह से क्रम कट करने की कि साइड में थोड़ा बहुत स्पॉन्ज नहीं दिखे, तो इसलिए मैंने बहुत बार ट्राई किया हूँ, बहुत मतलब जितना हो सके मैंने ट्राई किया हूँ, तो बस जितना हो सके मैंने कर लिया। फिर मैंने केक बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और केक बोर्ड को क्लीन करने के बाद मैंने आज पूरे केक को चॉकलेट गनाश से कवर कर लूँगी, अगर चॉकलेट गनाश या फिर जो न्यूट्रल जेल होता है उसी से केक की कवर करना है तो आप लोगों को केक की जो आइसिंग है वो नहीं भी करना पड़े, अगर आप लोग आइसिंग नहीं करते हो फिर भी चल जाता है, मतलब दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही सुंदर से और स्मूथ से काम चल जाता है, जो स्पॉन्ज दिख रही है या फिर जो केक की आइसिंग की फिनिशिंग नहीं हुआ वो सारे प्रॉब्लम नहीं होता है, टाइम भी बहुत बच जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरे केक को चॉकलेट गनाश के कवर कर लूँगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया हूँ और केक की आइसिंग भी नहीं किया, तो बस गनाश को मैंने केक के ऊपर बस अप्लाई किया हूँ और फिर मैंने पैलेट नाइफ के मदद से हल्के हाथों से पहले ऊपर को स्प्रेड किया, फिर मैंने साइड को स्प्रेड किया, और जिधर मुझे लग रही थी कि साइड पे चॉकलेट गनाश से कवर नहीं हुआ तो जितने गनाश केक बोर्ड के ऊपर गिरी थी उसको मैंने पैलेट नाइफ के मदद से उठाया, फिर उधर मैंने गिरा के फिर अच्छी तरह से और एक बार स्मूथ से हल्के हाथों से मैंने स्प्रेड कर लूँगी, और स्प्रेड करने के बाद मैंने केक की जो केक बोर्ड की साइड है वो अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने के बाद मैंने आज सिंपल सा ही डिज़ाइन सोचा हूँ, तो क्लीन करने के बाद इधर चॉकलेट वाला क्रीम को मैंने एक स्टार वाला नोजल में फिल कर लिया और उसको एक पाइपिंग बैग में भर लिया, और केक के पूरे साइड में जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन होता है उसमें मैंने जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन होता है उसमें बना लूँगी, उसी वाला स्टार वाला नोजल में छोटा छोटा डॉट डॉट करके मैंने बना के पूरे कवर कर लूँगी, इसमें सुंदर भी दिखेगा, और जो गनाश हमारा गिरे थे और अच्छी तरह से केक बोर्ड को क्लीन किया तो साइड में थोड़ा बहुत कैसा दिखता है तो वो भी छुप जाएगा, तो इसलिए आपको अगर चॉकलेट गनाश से पूरे केक कवर करना है तो साइड पर अगर बॉर्डर दे देते हो तो बहुत सुंदर दिखता है। तो फिर मैंने लिया हूँ व्हाइट वाला क्रीम और उसको एक दूसरे पाइपिंग बैग में भर लिया और उसको बस छोटा सा कट किया हूँ, और केक के ऊपर में मिडिल को छोड़ के थोड़ा बहुत फिर मैंने राउंड शेप में 2-3 लाइन टान लिया, मतलब लाइन टान लूँगी,
और फिर मैंने एक टूथपिक लिया हूँ और टूथपिक से मैंने एक लंबा लंबा लाइन मतलब खींच लूँगी, बस बाहर से वो अंदर की तरफ मैंने टूथपिक को खींच लूँगी और इधर एक सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो बेकरी में अगर आप लोग देखते हो ना तो बहुत ही सिंपल में डिज़ाइन बनता है और इस टाइप का डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि सिंपल में बहुत सुंदर दिखता है और बेकरी वालों को तो बहुत केक बनाना पड़ता है तो इसलिए वो उस लोग ज़्यादा तामझाम का डिज़ाइन नहीं रखता है, बस ऐसे करके कुछ चॉकलेट गार्निशिंग लगा देती है केक पर, फिर हो जाता है। तो मैंने तो चॉकलेट गार्निशिंग मेरे पास ऑलरेडी थे नहीं तो इसलिए मैंने चॉकलेट वाला क्रीम से एक बड़ा वाला रोज़ फ्लावर बनाया और उसको मैंने मिडिल में स्टिक कर दिया, फिर उसके ऊपर एक चेरी लगा दिया। तो आज का डिज़ाइन यही था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।